हेलो गाइस, तो चलो यार, एक नई वीडियो में आपका बिल्कुल स्वागत है। वीडियो थोड़ी डिले हुई है, कोई बात नहीं, दूसरे चैनल पे भी नई वीडियो आएगी। तो चलो, आज भी हम खेलते हैं पबजी लाइट, क्योंकि और कोई गेम हम खेल नहीं सकते। पबजी मोबाइल हम खेल नहीं सकते, यही खेलना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारे फ़ोन में इतनी रैम नहीं है। और बाकी अब मत मुझसे बुलवाओ, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है इस लॉकडाउन की वजह से। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद मैं एक नया फ़ोन लेने की सोच रहा होता। चलो, सबसे पहले तो हम लूटेंगे इस पूरे घर में। मुझे एक यूजीआई मिली है, यूजीआई बोलो यूजेडआई बोलो, यार ये तुम्हारे ऊपर है। मैं तो इसको यूजीआई बोलता हूँ, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में यूजीआई अच्छा है, मतलब एक तरह से बेटर है। तो चलो, अब इस घर में हमको अभी तक यूजीआई मिली है और एक मिनी 14 मिली है। अब यार, मैं वैसे सिंक डेल्टा पे इसलिए उतरा था क्योंकि अब लूट अच्छी ही मिलती है इधर, पर पता नहीं आज नहीं मिल रही है, क्योंकि आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने का मेन मकसद यही रखा था कि सिंक डेल्टा पे उतरूँगा और तुम्हें बताऊँगा कि इधर लूट कैसी मिलती है। पर नहीं, अब पबजी वालों ने ये भी कर दिया मामला ख़राब। तो वैसे यार, हमारा 3 नंबर नॉक्ड हो चुका है और 1 नंबर ऑफलाइन है, हमको बचाना पड़ेगा। नॉक्ड क्या, पूरा आउट ही हो गया यार 3 नंबर, और 1 नंबर को गोलियां पड़ती जा रही हैं। 1 नंबर भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, एक बंदा मुझे देख चुका है, अब उसको हम मारेंगे। नॉक्ड तो हमने वो कर दिया है, पर अब पूरा ख़त्म ही कर देते हैं यार। कोई रिवाइव विवाइव ना दे जाए, फिर हमारे लिए और ख़तरा बढ़ेगा। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पूरा ख़त्म कर दिया करो बंदे को। और कोई बंदा मुझे यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ से चला गया। और यार, ये जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है उसके लिए माफ़ करना। और यार देखो, एक बंदा है, ये बेचारा मुझे ढूंढते ढूंढते पागल हो गया कि भाई गोली कहाँ से पड़ रही है मुझ में। और यहाँ पर एयरटेल वालों ने अपना मैसेज दे दिया है अपनी बेइज्जती कराने के लिए, साथ में मेरी भी कराने के लिए। ये एयरटेल वाले यार बहुत परेशान करते हैं, एक तो कॉल करके परेशान करना, एक मैसेज करके परेशान करना। हाँ भाई, रिचार्ज हमेशा टाइम पे करा लेते हैं, जब भी मैसेज करना रिचार्ज कराइए रिचार्ज कराइए रिचार्ज कराइए, रिचार्ज हो चुका है मेरा, जब भी रिचार्ज कराइए। तो चलो, यहाँ पर एक नदी में कूद चुका है बंदा, निशाना हमसे लग नहीं रहा है क्योंकि हम नूब हैं, और एक पीछे से बंदा हमको मार रहा है। और देखो, नीचे चला गया, इसको तो अब मारना ही पड़ेगा हमको, हमारा एक साथी और है। थक गया यार बोल बोल के, जोन आ चुका है और ये बंदा यहाँ से निकल नहीं रहा है, इसीलिए हमको नीचे जाके मारना पड़ेगा। और हमने इसमें गोली भी चलाई पर हमारा निशान नहीं लगा, और दूसरी बात, हमारी एमओ ख़त्म हो गई, और एमओ में रिलोड करना भूल गया था, पर हमारे साथी ने इसको सेफली नॉक डाउन कर दिया। और अभी तक हमको ढंग की गन नहीं मिली है, AWM मिल चुकी है, जो चलो थोड़ी बात के लिए सही है। और मेरी ड्राइविंग देखकर अब तुम भी कहोगे वाह, देख ली मेरी ड्राइविंग। अभी ये तो शुरुआत है यार, अभी तो 2-3 बार और टकराएगी। मैं बिना टकराए हुए गाड़ी चला तो थोड़ी हूँ, पीछे बैठने वाला भी परेशान है मुझसे। देखो, फिर से टकरा गई ना गाड़ी। और चलो, अब चलते हैं हम इस जोन से बाहर, क्योंकि मेरी पावर इस वक्त काफ़ी कम है और हमने जोन से बाहर जाने के लिए लेट कर दिया है। अगर ये बाइक हमको नहीं मिलती तो शायद हम यहाँ पर मर सकते थे, क्योंकि जोन थोड़ा दूर बना था। तो अब हम दोनों जा रहे हैं, और जोन हमने पार कर लिया है, जोन पार कर लिया है। इसीलिए मैंने बाइक इसीलिए रोकी थी क्योंकि मुझे फर्स्ट एड लगानी थी, नहीं मैं आगे ले जाता। तो पार्टनर ने चलाई उस वक्त बाइक, और यहाँ पर मैं रश करने चला गया डायरेक्ट। एक बंदा हमने नॉक कर दिया, और रिलोड करके हमने दूसरे बंदे को भी यहाँ पर नॉक कर दिया। ये मेरे ख्याल से दोनों ही नूब थे या फिर बॉट थे, जो भी है तो मान लो, जो भी है, पर ये एक तरह से नूब ही मानो, ये नूब थे, ये हमको कर नहीं पाए। नहीं, ये दो बंदे मुझे अकेले को कर सकते थे, और मैं अकेला ही इनको रश करने को आता था, और मेरा भी बिल्कुल एकदम नूब वाला ही काम है एक तरह से। और यहाँ पर एक हमारे साथ गलत चीज़ हो गई, हम लूटने में लगे हुए और मैं रीलोड करने में लगा हुआ। तभी हमारे नंबर 2 को एक बंदा चुपचाप आकर नॉक कर देता है। मैं सोचता हूँ ये बंदा आता कहाँ से है, और मैं रिलोड करने लग जाता हूँ, इतने में वो बंदा आके मुझे नॉक कर देता है। तो ये सीन हमारे साथ होता है, और हम चिकन डिनर पता नहीं कब खाएंगे, ये
कुछ पता नहीं है, इसीलिए आगे भी वीडियो देखते रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो।